अभी हम लोग गए थे थाने में क्योंकि हम लोगों के पास नहीं था पैसा। और अच्छा भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो गाइस ये है कानपुर का मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड बन रहा है अभी, और ऐसा कुछ स्टेशन वगैरह बन रहा है, ये लिफ्ट वगैरह बन रही है। और हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज चुके हैं सुबह के, वही 7:20 होने वाले होंगे, ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने ओवरब्रिज पे रेगुलर ब्लॉग शूट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कैसे हो गए? आई होप अच्छे हो गए, ठीक है। फिलहाल हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमें हो रखा है बहुत तगड़ा वाला जुकाम, और रात को हमने गोली खाई तो हम इतना भी बोल पा रहे हैं। और आज हम जाने वाले हैं कानपुर, वो क्यों वो आप लोग देखें ब्लॉग, और ब्लॉग पूरा देखें। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। और गाइस आप लोग कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई, कुछ नहीं हो जाता इससे, बस थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं। तो गाइस हम कानपुर किस लिए जा रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ में जा रहा है? तो हमारे साथ में जा रहा है ओम और ओम की दीदी, क्योंकि उनको उनके घर पे छोड़ना है। और उसके बाद हम जा रहे हैं एक फेमस यूट्यूबर से मिलने, तो वो आप लोग देखना और कमेंट में बताना। फिलहाल तो अभी पता नहीं मीटअप हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो चैनल पर पूरा देखें, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस अभी हम रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि वाला प्रोग्राम हो रहा था और हम उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे, पता नहीं क्यों बिजी थे पर बहुत ज़्यादा बिजी थे। और अभी मैं वही वाले ब्लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग आ जाएगा 17 तारीख तक, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट वगैरह कर दिया करें। अब तो भाई अपने दोस्त अपने रिश्तेदार कोई भी कमेंट नहीं करता है, आप कितना किसी को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो तुम्हारा भाई जल्दी ये एक छोटा मोटा सा यूट्यूबर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहें और हम चलते हैं कानपुर। फिलहाल चलेंगे नहाएंगे धोएंगे और कुछ नाश्ता वगैरह करके चलते हैं कानपुर के लिए, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो बने रहें, और मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखना ब्लॉग, ठीक। तो गाइस घर से निकलनी है अपने कानपुर के लिए, ठीक है। तो सब तैयार वैयार होके एकदम, तो बस निकलते हैं फटाफट से, ओम को लेते हैं साथ में और देखते हैं कौन कौन जाता है, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे, और क्या बोलते हैं अभी टिकट वगैरह ये पीछे ले लें और उसके बाद चलते हैं कानपुर और दिखाते हैं कैसा क्या सीन है, ठीक है। तो ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होगा और हमारे साथ एक लोग और बढ़ गए, हमारे मोहित भाई, ठीक है। तो 4 लोग जा रहे हैं अब, लेकिन वहाँ देखो कौन कौन ज़्यादा है कौन कौन नहीं, ठीक है। तो बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो ये हमारे दो मित्र खड़े हुए हैं, जो कि ये कहाँ जा रहे हैं? कानपुर हवन करने। हवन करने? हवन करने कौन सा? शांति हवन? यस शांति हवन करने जा रहे हैं। अच्छा। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये हम लोग यहाँ पे क्या घूम रहे हैं? घूम रहे हैं, अभी वंदे भारत आ रही है तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये गाड़ी खड़ी है, ये अपने मोहित भाई, ये ओम, ये मोहित भाई। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं झिझक स्टेशन पे और यहाँ से एक अमृत भारत निकल चुकी है और ये अपने मोहित भाई हैं, ओम भाई हैं। आज बहुत मज़ा आएगा कानपुर में, ठीक है। डीजे बजेगा, गाड़ी डीजे बजेगा। मैं जा रहा हूँ शॉप करने। हाँ शॉप करने जा रहे हैं। एक ध्यान ना, तो गाइस हम लोग अभी हैं कानपुर में, और कानपुर में अब अक्सर हमारा लगा रहता है आना जाना, तो होता ही रहता आना जाना हमारा लगा रहता है क्योंकि मीटिंग चलती है ना। हाँ हम लोग बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है। तो शांति हवन कर देते हैं अच्छों का। हाँ तो हमारे लोगों को आना जाना लगा रहता है। अभी हम करीब 20 से 25 दिन पहले और आए थे कुछ काम से, ठीक है, और उसके बाद फिर आ गए और आज हम जा रहे हैं कहीं विशेष जगह है, ठीक है। तो हमारे साथ ये भी जा रहा है शांति हवन करने। ओके शांति हवन करने, ठीक है। तो चलते हैं। ये क्या होता है? मेरे तुम ये करते हो, ये इससे क्लियरिटी अच्छी आती है। अच्छी ओके। तो गाइस देखिए यहाँ दिव्यांशु भाई का कितना क्रेज है, यहाँ कितने सारे लौंडे खड़े हुए हैं उनके चाहने वाले, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस हम जिस काम से आए थे वो काम तो हमारा सफल नहीं हुआ, वो क्योंकि वहाँ थोड़ा लेट था
और अब हम लोग जा रहे हैं पता कहाँ थाने, क्योंकि हम लोगों को पुलिस ने लिया पकड़, क्यों हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थाने और कुछ लफड़ा हो गया है उस कारण हम लोग थाने जा रहे हैं। फिलहाल हंसी भी बहुत आ रही है ठीक है सामने, और उसके बाद हम लोग फिर अपने घर के लिए रवाना होंगे। अच्छा भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो गाइस अभी हम लोग गए थे थाने में क्योंकि हम लोगों के पास नहीं था पैसा और पुलिस ने हमको पकड़ लिया था ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली में हमारी दीदी रहती हैं यहीं कानपुर थाने में, SI पोस्ट पे है। तो हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए गए, उनसे मिलने के लिए गए थे ठीक है। तो जिस और हम जिस यूट्यूबर से मिलने आए थे उसका तो मीटअप का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यूट्यूबर तो बेकार है वो आया ही नहीं बात का। तो गाइस ये है कानपुर का मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड बन रहा है अभी, और ऐसा कुछ स्टेशन वगैरह बन रहा है, ये लिफ्ट वगैरह बन रही है और ये देख सकते हो ये मेट्रो बन रही है अंडरग्राउंड। क्यों अच्छा है, क्या कहना चाहोगे? वास्तव में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। ओम ने पहली बार देखा है ये अंडरग्राउंड मेट्रो, मैं तो देखवा चुका हूँ बहुत बार, ये पटरी वगैरह भी नहीं बिछी इस समय। हम जिस यूट्यूबर से मिलने आए थे वो प्लान तो मेरा बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। तो हमने सोचा क्यों ना कानपुर की मेट्रो देखी जाए जो कि अभी अंडरग्राउंड बन रही है। ये कोई स्टेशन है सेंट्रल के पास ठीक है, सेंट्रल के पास है तो हम लोग वही देखने आए हैं। हमको ब्लॉग बना लेना दिया करो क्योंकि मेरे पैसे जाते हैं इसमें सब कुछ ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टेशन बन रहा है ये अंडरग्राउंड। आज हम जिस काम से आए थे हमारे एक भी काम पूरे नहीं हुए हैं, इन्होंने ट्रेन छुड़वा दी मेरी ट्रेन, इन्होंने मेरी ट्रेन छुड़वा दी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है, इन्हें एक ट्रेन छुड़वा दी है, अब हम लोग डोल रहे हैं क्या करें। अभी हम लोग हैं कानपुर सेंट्रल पे और क्या बोलते हैं आज एक ट्रेन के मारे हम लोग 2-3 घंटा लेट हो गए होंगे ठीक है। 2:10 की ट्रेन थी और हम लोग यहीं सेंट्रल पे मंडरा रहे लेकिन ट्रेन नहीं ढूंढ पाई। और बाकी बात अब हमारे संगे मोहित भाई आए थे तो अब हम लोग उन्हीं के संगे जाएंगे शाम के 5 बजे वाली से ठीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन हम आज जो काम करने आए थे वो तो हमारा सक्सेस नहीं हो पाऊ, लेकिन हम लोगों ने कुछ और सक्सेस कर लो ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और कंटिन्यू देखो, बहुत मज़ा आएगा ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये है अपना भारत का कानपुर सेंट्रल स्टेशन, और आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ये कानपुर सेंट्रल देखा है ठीक है। और ऐसा कुछ बहुत ही सुंदर स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे हर जगह लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके क्या बोलते लिफ्ट का, ये देख सकते हो ये हमारा दोस्त बैठा है, उसने आज मेरी एक ट्रेन छुड़वा दी है। ओके